हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। जॉब एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं HTML स्टेप बाय स्टेप। आज हम सीखेंगे HTML में हाउ टू क्रिएट ए बॉर्डर इन HTML। ओके, आज हमको क्या सीखना है, हाउ टू क्रिएट ए बॉर्डर। बॉर्डर को हम कैसे क्रिएट करते हैं अपने HTML में CSS की सहायता से, अकॉर्डिंग टू यूज ऑफ द CSS। तो आज हम इस चीज़ को सीखेंगे। तो सीधे हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में। ठीक है, कोड एडिटर में आएंगे। इसके पहले आपने, डियर स्टूडेंट्स, आपने सीखा था पिछली वीडियोस में, मैंने आपको बताया था कैसे आपको फॉन्ट यूज़ करना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको फिर स्टाइल का ही काम है। स्टाइल CSS में हम CSS का यूज़ करेंगे इनलाइन में, और इन दोनों चीजों में हम कुछ, आप देखते हैं रिजल्ट इसका। ये हमको पेज हमारा कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमारा टेक्स्ट है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है यहां पे जो है ये पेज जो है एक बॉर्डर लाइन में आए। ऊपर का पैराग्राफ पूरा एक बॉर्डर बॉर्डर में हो, एक बॉक्स में हो, नीचे का भी एक बॉक्स में हो, तो हमें एक बॉर्डर की नीड होगी यहाँ पे। अब बॉर्डर कैसे हम क्रिएट करें पेज में, कैसे सेट करें, ये इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, सीधा सा आपको मैं बता देता हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैंने कुछ पहले से नहीं वो करके रखा है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, बिल्कुल मैं सिंपल बना देता हूँ जैसे डॉक्यूमेंट होता है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। ओके, अभी देखो एक सिंपल है, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। जो कुछ भी मैं आपके सामने यूज़ करूँगा, आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया। और मैं सिर्फ जो है जो इस चीज़ को मैं डिलीट करके, अब हम लोग पीछे जो है फॉन्ट साइज कर रहे थे, हाउ टू सेट बॉर्डर, यहां पे मैं लिख देता हूं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर लाइन और बॉक्स, बॉक्स भी बोल सकते हो, समझ लेना, बाकी ठीक है क्या बोलना है ये डजंट मैटर। इसकी कॉपी कर देता हूं मैं दोनों जगह। ठीक है, अब हम चेंज देखते हैं हमारा रिजल्ट। आप देखोगे ये रिजल्ट ऐसे आ गया। अब हमें एक बॉक्स चाहिए, इस बॉक्स को डिजाइन करते हैं। तो इस बॉक्स को डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम, हाँ गुड, स्टाइल क्या यूज करेंगे, एक CSS लिखेंगे और इसमें मैं लिखूंगा हमें चुक क्या बनाना है, बॉर्डर। तो यहां लिखेंगे सीधा, ठीक है, बॉर्डर बनाना है कितना कि कौन सा बॉर्डर बनाना है, कैसे बनाना है, तो हम लिखेंगे बॉर्डर होगा और बॉर्डर की साइज हमारी होगी 1 pixel। ठीक है, और बॉर्डर की जो बाउंड्री लाइन होगी वो क्या होगी, सॉलिड होगी। ओके, सेमीकोलन से क्विट करेंगे, रिजल्ट देखेंगे इसका क्या आता है रिजल्ट। ये देखो बॉर्डर बन गया, वेरी इजी है कि नहीं, जादू है कि नहीं, आप बस करते जाओ आता जाएगा। बॉर्डर 1 pixel हो गया और सॉलिड। अगर हमको ये बोला जाए, ये जो आपने यहाँ पे, मैं एक बार देखता हूँ आपका रिजल्ट क्या आया था, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन बहुत पतली है, ये बहुत थीन लाइन है, इसको मुझे थोड़ा सा मोटा करना है, थोड़ा सा और बड़ा करना है, वाइड करना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1 pixel को हम चेंज करके सपोज हमने 6 pixel कर दिया। ओके, तो 6 pixel जब हमने कर दिया तो देखते हैं रिजल्ट। ये आप देख रहे हो 6 pixel, ये हमारी बॉर्डर लाइन आ गई, राइट। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, ये हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसको 2 pixel करते हैं। ठीक है, इसको हम 2 pixel करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे क्या रिजल्ट हमारा आता है। ये देखो ये 2 pixel हमारा हो गया। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम इसमें टेक्स्ट एंटर करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बॉर्डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज होता जाएगा, कैसे, ऑटो इंक्रीज। ओके, देखो देखो होता है कि नहीं, चेक करते हैं। हम जो भी बात करेंगे वो उस एक लाइव प्रैक्टिकल में चेक करते जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं,
अभी देखो ये अलग अलग लाइन में है, अलग अलग लाइन में है, हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये अलग अलग लाइन में जैसे सो हो रहा है वैसे ही सो। तो दो तरीके हैं आपको, एक तो आपने पैराग्राफ में लिया, ये कंटिन्यू चल रहा है, आप चाहते हो कि इस लाइन के बाद से ये लाइन चेंज हो जाए, ये जो है आपका रो जो है वो चेंज हो जाए, ये नेक्स्ट में चला जाए, नेक्स्ट रो में चला जाए, नेक्स्ट रो में। तो एक प्रॉपर्टी और यूज करते हैं हम लोग, उसे हम बोलते हैं बी आर। क्या बोलते हैं? बी आर। ब्रेक के लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग। ओके, तो हमने दो जगह बी आर यूज किया, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। ओके, आपने देखा दो जगह हमने जो बी आर टैग यूज किया था उस टैग की वजह से हमारा ये लाइन चेंज हो गया है, लेकिन हमने थर्ड लाइन में हमने कोई भी बी आर टैग यूज नहीं किया था। क्या वास्तव में? यस, देखो मैंने इसमें बी आर टैग यूज नहीं किया था, यहां भी बी आर कर लो। ओके गुड, यू आर जीनियस, यहां भी बी आर मैंने कर दिया, फाइन। अब आप देखोगे कि यहां पे हर एक लाइन बिल्कुल अलग अलग आ रही है, आ रही है ना। अब क्या करना है, इन सभी लाइन को आपको सेंटर में ले आना है, सेंटर में ले आना है। क्या करना है बोलो सभी? हाँ, सेंटर में ले आना है, गुड। एलाइन का यूज करेंगे, कौन सा एलाइन करेंगे यहां पे? सेंटर एलाइन, दैट्स वेरी गुड। तो यहां पे आपको बोलना है टेक्स्ट एलाइन, देन एंटर, और कहां ले आना है? सेंटर में ले आना है। ओके, सेंटर लिखो, देखो कितना इजी है। लोग कहते हैं कि HTML ये सब कोडिंग काफी टफ होता है, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं टफ, तो मुझे नहीं लग रहा है डक टफ होता है। ठीक हो, आप देखो सब चीज कर पा रहे हो ना, बहुत इजी वे में कर पा रहे हो। देखो अभी इसको देखो, ये देखो बीच में आ गया, अभी देखो ये बीच में पूरा आ गया, ये सेंटर में आ गया, सेंटर अलाइन हो गया। तो आप इस चीज समझ पाओगे। ओके, अब थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, और इसमें कुछ नए एट्रीब्यूट्स को जोड़ते हैं। तो आज हमने सीखा क्या, हाउ टू सेट बॉर्डर इन HTML पेज, ठीक है, हाउ टू चेंज लाइन अकॉर्डिंग टू बी आर टैग। ओके फाइन, तो अगर हम बी आर टैग यूज करते हैं तो हमारा क्या होगा, लाइन चेंज होता जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम बी आर टैग नहीं लगाएंगे तो हमें क्या होगा, अगर दूसरा तरीका क्या होता है, अलग अलग हम पैराग्राफ यूज कर लें। जैसे सपोज कर लो यहां पे मैंने ये पी यूज किया, फिर इस चीज को स्टार्ट पी टैग, और इसको भी मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, इसकी कॉपी मैं करता हूं, ये मैंने कॉपी किया, और सॉरी अगेन, देन पेस्ट, मैं सिंपल पेस्ट कर रहा हूं। अभी देखो एक तरीका ये है, दो तरीके मैंने आपको बताया इन दोनों तरीकों को। एक में हमने क्या किया, बी आर टैग यूज किया, यहां क्या किया है हमने, ये पी अलग अलग पैराग्राफ मैंने यहां पे बी आर नहीं लगाया। क्या ये लाइन चेंज होगा? पता नहीं यार, लेकिन देखते हैं क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पे, देखते हैं। हाँ, ये तो कमाल हो गया, देखो ये भी लाइन चेंज हो गया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट, इसमें क्या है, इसमें देखो यार, इसमें तो है लाइन में बिल्कुल, ये बीच बीच में गैपिंग है, ये है, और इसमें नहीं है, क्यों हुआ ऐसे? यहां जो है ये है टू लाइन के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन टू लाइंस, ये कुछ स्पेस है, और पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट कुछ साइज होता है, और वह पैराग्राफ उसी मार्जिन को फॉलो करता है, उसी पैडिंग को फॉलो करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये इसकी फॉन्ट साइज आ गई है। अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं इसके बीच में हमको बिल्कुल ऐसे चाहिए, तो क्या करना होगा, इसकी साइज को और मार्जिन को हमको जीरो कर देना होगा। क्या करेंगे, मार्जिन इसका जीरो कर देंगे चारों तरफ इस। ओके, अब हम, आपने देख लिया दोनों को, दो चीजें हमने आज सीखा, हाउ टू सेट बॉर्डर इन HTML पेज, ठीक है, हाउ टू चेंज लाइन अकॉर्डिंग टू बी आर टैग, और दूसरा क्या होता है, ये पैराग्राफ। तो पैराग्राफ आप जान ही रहे हो पहले से, पैराग्राफ क्या है लाइन चेंज करने के लिए, लेकिन दो चीजें आप इस चीज को ध्यान जरूर रखिएगा कि कभी भी लाइन को चेंज करना हो तो बी आर टैग, हाँ बी आर टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लगाओगे ये चलेगा। ओके, तो उम्मीद है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। ये हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सब CSS पढ़ रहे हैं, और CSS का यूज हम कैसे करते हैं इन सारी चीजों का। तो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा, फॉन्ट साइज को मैनेज करना सीखा, बॉर्डर को सीखा। हाँ फाइनली एक चीज और मुझे याद आया, मैं वो चीज भी बता देना चाहता हूँ आपको।
अभी देखो यहाँ पे मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, ये देखो ये इसका कॉर्नर जो है ना, ये कॉर्नर देखो, ये कॉर्नर बिल्कुल जो है क्या है, एंगुलर है, ठीक है, 90 डिग्री पे। मैं इसे चाहता हूँ क्या, राउंडेड चाहता हूँ, एक आर्क बन जाए, एक राउंडेड कॉर्नर चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ, राउंडेड कॉर्नर लिखूँ, शायद आ जाए, राउंडेड नहीं, राउंडेड कॉर्नर तो कुछ होता ही नहीं, इसको लिख देंगे बॉर्डर रेडियस। ओके क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस कितना, 1 पिक्सल ही देता हूँ, 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल, देखता हूँ होता है कि नहीं, ये तो नहीं हुआ यार, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। बॉर्डर रेडियस तो सही है, फिर ये हमारा बॉर्डर क्यों नहीं लिया, वो रेडियस करना था 1 पिक्सल। ओके फाइन, कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी हो जाएगा। और हाँ नहीं ठीक है, ओके, तब तक आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं। ओके फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।